हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुक सर अनलिमिटेड लिमिटेड स्टडी जोन स्वागत है आप सभी को और स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग यहां पर चाइल्ड मतलब एक तरीके से यहां पर हम पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर के वी का सॉल्व करने आपके लिए आए हैं जहां पर सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कहरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट विच द ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट नॉन फॉम ए टू ओल्ड ईयर टू ईयर्स ओल्ड चाइल्ड मतलब दो साल के बच्चे के लिए इसमें से कौन सा विकास का मापदंड मानदंड है तो फर्स्ट कह रहा है द चाइल्ड हैज़ फ्री एंड एक्टिव मूवमेंट कैन रिस्पॉन्ड टू द म्यूज़िक मतलब जो बच्चा है वो एक्टिव मूवमेंट करता है फ्री मूवमेंट करता है और रिस्पॉन्ड टू द म्यूज़िक मतलब म्यूजिक का जवाब दे देता है बिल्कुल सही बात है भाई बच्चा यदि म्यूजिक चलता है तो नाचने कूदने लगता है दूसरा है बच्चा चल या रिंग भी नहीं सकता है ओके मापदंड देखिए ये कह रहा है कि मापदंड है इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा मानदंड है बच्चे के पास स्वतंत्र और संक्रिय चल चल संचलन है जिसके कारण संगीत का जवाब दे सकता है ओके दूसरा कह रहा है कि द चाइल्ड कैन नॉट वॉक इवन कैन क्रॉल तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई कि चाइल्ड जो है वो, वो चल भी नहीं सकता नहीं बच्चे कुड़लते हैं जिसको क्रॉल कहना कहते हैं ओके द चाइल्ड कैन वॉक विदाउट हेल्प जंप रन्स ओके जो चाइल्ड होता है बिना किसी हेल्प के चल सकता है जंप कर सकता है छोटे छोटे और रन्स कर सकता है तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो चाइल्ड होता है वो बिना किसी मदद के चल सकता है कूद सकता है और दौड़ सकता है दो साल के बच्चे तो थोड़ा थोड़ा दौड़ने भी लगते हैं द चाइल्ड कैन स्किप एंड हॉप बच्चा जो है स्किप और हॉप कर सकता है स्किप मतलब कि रस्सी कूदना दो साल का बच्चा रस्सी तो कूद नहीं सकता है तो ये ऑप्शन गलत है तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं कि द चाइल्ड कैन वॉक विदाउट हेल्प मतलब बच्चा जो है बिना किसी मदद के चल सकता है दौड़ सकता है और बच्चे के पास स्वतंत्र सक और सक्रिय संचलन है वह संगीत का जवाब दे सकता है देखिए यहाँ पर यदि दोनों ऑप्शनों में से करेक्ट देखा जाए तो ज़्यादा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बन रहा है क्योंकि बच्चे के पास स्वतंत्र और सक्रिय संचलन है तो ये पता नहीं है किस लेवल तक की बात कर रहा है किस लेवल तक के मूवमेंट की बात कर रहा है द चाइल्ड हैज़ फ्री एंड एक्टिव मूवमेंट तो मूवमेंट उसका फ्री तो नहीं कहा जा सकता है ओके एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द म्यूजिक तो म्यूजिक का रिस्पॉन्ड किस लेवल पर बात की जा रही है यहाँ पर क्लियर नहीं है तो दिए गए ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर टू है विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज़ कैरीड आउट इन द पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ एन एनवॉल्व पीपल्स आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन ओके क्या कह रहा है विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज कैरीड आउट इन पेयर इसमें से कौन सी स्पीकिंग एक्टिविटी जो है ग्रुप में कराई जाती है ओके ऑफ एन इन्वॉल्व पीपल्स आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन जिसमें अक्सर छात्रों का प्रश्न पूछना और उत्तर देना शामिल होता है ऑप्शन दिए गए हैं ज़ोर से पढ़ना सूचना अंतराल एक कहानी को फिर से बताना और चौथा दिया है रोल प्ले ओके तो विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज कैरीड आउट विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज कैरीड आउट इन पेयर्स और ग्रुप मतलब यहाँ पे मेन चीज़ देखिए क्या है पेयर में और ग्रुप में बात की गई है एंड ऑफ एन इन्वॉल्व्स पीपल आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन है ना जिसमें लोग जो हैं उसमें क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पूछते हैं बताइए कौन सी एक्टिविटी है तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं इसमें क्या हो सकता है देखिए जब से पहले इसमें जो ऑप्शन है रीडिंग अलाउड अब देखिए भाई ग्रुप की बात की जा रही है ओके okay, ग्रुप को इन्वॉल्व करना है तो रीडिंग अलाउड में ग्रुप की तो जैसे कोई बात होती नहीं बच्चा अकेले पढ़ता है इसमें ग्रुप तो केवल पैसिव लर्नर यानी कि सुना करता है इसके बाद बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैप कुछ तीसरा क्या दिया हुआ रिटेलिंग ए स्टोरी तो एक, एक एक कहानी को फिर से बताना इसमें कोई क्वेश्चन आंसरिंग की बात नहीं है और रोल प्ले जो होता है वो भाई स्पीकिंग एक्टिविटी तो होती ही नहीं तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बी तो याद कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर बी है जिसको बोलते हैं सूचना अंतराल चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज विद स्टोरी बेस्ड वर्क ओके निम्न में से किसका उपयोग कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है राइम एंड सॉन्ग्स वीडियो रिकॉर्डिंग ओके लय तथा गीतों का और वीडियो रिकॉर्डिंग का तो बताना है आपको कि किसका उपयोग जो है कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है तो देखिए क्या लॉजिक निकल रहा है कह रहा है कि किसका उपयोग जो है कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है तो कहानी आधारित कार्य की बात की जा रही है मतलब कोई कहानी यहाँ पर सुनाई जा रही है उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं तो लय तथा गीतों का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल जिससे कि कहानी जो है सुंदर बन जाएगी और उसके बाद बात आती है वीडियो रिकॉर्डिंग का भी कर सकते हैं यस तो बिल्कुल दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग का भी उपयोग किया जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बोथ वन एंड टू चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग पर आवर फॉर अ टीचर आपको बताना है कि एक वीक के लिए एक सप्ताह के लिए ओके अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन 2009 मतलब शिक्षा अधिकारी कार जो दो है आर आया था आर 2009 याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो आपको इसमें बताना है कि तो क्या है आर 2009 में आया इसमें कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ वीक तो मतलब कम से कम कितने घंटे काम करना पड़ेगा एक वीक में आपको बताना है कि कम से कम कितने घंटे न्यूनतम संख्या है काम करने की एक वीक में तो इसका करेक्ट आंसर नोट करिए इसका करेक्ट आंसर है पैंतालीस घंटे ओके इसका आंसर है कितना पैंतालीस घंटे मतलब आपके पास में किस शिक्षक की बात की जा रही है यहाँ पे देखिए है ना राइट टू एजुकेशन टू थाउजेंड नाइन वाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक फॉर अ टीचर तो एक टीचर को जो काम करना है कितना है 45 घंटे 45 घंटे एक सप्ताह में काम करना है तो मान के चलिए मतलब छः आपके पास यदि संडे को काट लिया जाए तो छः दिन होते हैं ओके छः दिन हुआ करते हैं तो 45 यदि छः का भाग दे, दे देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए छः आठ अड़तालीस लगभग होता है आठ घंटे तो आठ घंटे में हो जाता है तो आठ घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि प्रतिदिन जो है लगभग सात घंटे या आठ घंटे मान के चलिए कि प्रतिदिन आठ घंटे का लक्ष्य दिया गया ये न्यूनतम है देखिए यहाँ पर याद रखिएगा है ना प्रति सप्ताह काम करने के घंटे की न्यूनतम संख्या तो ये अधिकतम मत मान लीजिएगा इसको न्यूनतम संख्या मान लीजिएगा डन तो ये न्यूनतम संख्या इसको ध्यान रखिए एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपके पास देखिए अगर आपके पास प्राइमरी के टीचर्स हैं तो यदि इसको क्या देखा जाता है प्राइमरी के टीचर्स यदि आप में हैं आप प्राइमरी के टीचर बनने वाले हैं तो टोटल जो आपके पास कुल दिन उपलब्ध होते हैं ओके प्राइमरी यानी कि पीआरटी टीचर्स तो कितने दिन होते हैं आपके पास 200 दिन हुआ करते हैं ओके okay? 200 दिन हुआ करते हैं और 800 घंटे का आपको काम दिया जाता है पीआरटी uh... टीचर में 800 घंटे का काम दिया जाता है और अगर आप अपर प्राइमरी टीचर हैं तो आपके पास में कितने दिन होते हैं आपके पास में 220 दिन होते हैं और 220 दिन में आपको 1000 हज़ार आवर्स का काम दिया जाता है कितने का 1000 हज़ार आवर्स का काम दिया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉडर्न डे एग्जामिनेशन आजकल की परीक्षाओं के लिए कौन सा सत्य है फोकस ऑन द कैपेसिटी टू मेमोराइज मतलब याद करने की क्षमता पर ध्यान देना और दूसरा पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता पर ध्यान देना ठीक है ना दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए याद करने की क्षमता पर ध्यान देना या पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता पर ध्यान देना चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी ओके okay, तो मतलब आजकल की परीक्षाओं में किस पर ध्यान दिया जाता है मेमोराइज पर भी ध्यान दिया जाता है और इसके साथ जो है कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस पे भी ध्यान दिया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑडियो विजुअल एड यूज बाय टीचर ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड यूज बाय टीचर इन अ क्लासरूम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें से कौन सा जो है ऑडियो विजुअल एड नहीं है टीचर के द्वारा ऑडियो विजुअल का मतलब जिसमें ऑडियो भी हो और मतलब विजुअल भी हो ऐसा एड जिसमें ऑडियो या विजुअल दोनों ही हो है ना इसको बोलते हैं अपन ऑडियो विजुअल एड जो टीचर के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता आपको बताना है निम्न में से क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कक्षा के द्वारा प्रयुक्त होने वाली द्रव्य शर्क सहायक सामग्री नहीं है नहीं पर ध्यान दीजिए कौन सी नहीं है फिल्म ग्राफ टेलीविजन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बताइए ओके okay, तो ऑडियो विजल में फिल्म भी आता है ओके okay? टेलीविजन भी आता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सूचनाएं भी आता है केवल ग्राफ नहीं आता है क्योंकि फिल्म में ऑडियो भी है विजुअल भी है टेलीविज़न में भी ऑडियो भी विजुअल भी है कंप्यूटर में भी ऑडियो विजुअल दोनों है मगर ग्राफ में ऑडियो विजुअल नहीं है तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ग्राफ होगा चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ द टीचर डज नॉट डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट ओके चलिए तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ द टीचर डज नॉट डिटरमाइन द क्लास रूम क्लाइमेट शिक्षक की निम्नबी कौन सी व्यवस्था क्लास के वातावरण को निर्धारित नहीं करती है ओके शिक्षक के साथ कौन सी व्यवस्था जो है शिक्षक के साथ शिक्षक की कौन सी विशेषता जो है कक्षा के वातावरण को निर्धारित नहीं करती आपको बताना है ओके तो बताइए कौन सी है देखिए रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये तो निर्धारित करेगी बिल्कुल सही बात है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा टीचर को एक वैल्यूबल प्राणी होना चाहिए ओके okay, अभिवृत्ति टीचर का एटीट्यूड बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए आयु आयु से कोई मतलब नहीं है टीचर का ओके okay, और क्लास के निर्धारण से इसका कोई मतलब नहीं है आयु ज़्यादा हो या कम हो अगर टीचर का एप्टीट्यूड और उसके मतलब कि एटीट्यूड और उसके मूल्य अभिवृत्ति और रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे हैं तो आयु कोई फैक्टर नहीं रखती चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़ इज़ यूज फॉर द फ्री कम्युनिकेशन ओके मुक्त संचार के लिए निम्न में से कौन सी बोलने वाली गतिविधियों का उपयोग किया जाता है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीकिंग एक्टिविटीज यूज फॉर द फ्री कम्युनिकेशन मुक्त संचार के लिए कौन सी निम्नलिखित बोलने वाली गतिविधियों का उपयोग किया जाता है रिटेलिंग ए स्टोरी रीडिंग स्टोरी एक कहानी को फिर से बताना या चुपचाप पढ़ना ठीक है ना तो मुक्त संचार की बात हो रही है कि मुक्त संचार के लिए कौन सी गतिविधि का उपयोग किया जाता है ओके okay, मुक्त संचार के लिए कौन सी गतिविधि का उपयोग किया जाता है रिटेलिंग ए स्टोरी एक कहानी को फिर से बताना और चुपचाप पढ़ना करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर एट का यस, रिटेलिंग ए स्टोरी देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इस विच ऑफ द इस फ्री कम्युनिकेशन तो फ्री कम्युनिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा अगर आपके पास फ्री कम्युनिकेशन है तो आपको रिटेलिंग स्टोरी एक स्टोरी को फिर से बताना पड़ेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा नंबर वन ओनली वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ स्किल कैटेगरी स्किल निम्न में से कौन सा कौशल श्रेणी कौशल का सही युग्म नहीं है मतलब कौशल श्रेणी कौशल का सही युग्म नहीं है स्किल कैटेगरी स्किल सोशल सेल्फ अवेयरनेस सामाजिक आत्म जागरूकता थिंकिंग एम्पैथी चिंतन सहानुभूति इमोशनल कोपिंग विद स्ट्रेस भावनात्मक तनाव को झेलना और इसके बाद में कौन सा थिंकिंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा कौशल श्रेणी कौशल नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ स्किल एंड स्किल कैटेगरी स्किल ठीक है तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा और श्रेणी कौशल मतलब पहला आपको स्किल दिया गया है दूसरा उस कौशल की श्रेणी दी गई है उसका कौन सा युग्म सही नहीं है पहला है सामाजिक आत्म जागरूकता दूसरा है चिंतन यानी कि सहानुभूति तीसरा है भावनात्मक यानी तनाव को झेलना और चौथा है चिंतन यानी कि समस्या समाधान बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर एक बार बताइए ओके okay. तो करेक्ट आंसर इसका देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है बी जो थिंकिंग है वो इम्पैथी मतलब थिंकिंग जिस प्रकार की कौशल है वो इम्पैथी की कौशल श्रेणी में नहीं आती है थिंकिंग का इम्पैथी से कोई लेना देना नहीं है ओके okay? तो सामाजिक आत्म जागरूकता ही दोनों कनेक्टेड है भावनात्मक जो है तनाव को झेलना वो है चिंतन मतलब समस्या समाधान को बताता है मतलब चिंतन जो है सहानुभूति को नहीं बताता तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा बी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन वाई प्रसैप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग चाइल्ड विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन वाई परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग चाइल्ड विकासशील बच्चे के लिए धारणा महत्वपूर्ण क्यों है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है विकासशील बच्चे के लिए धारणा महत्वपूर्ण क्यों है इसके निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है मतलब बता रहा है कि विकासशील बच्चे के लिए जो परसेप्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ओके और इसके विरोध में आपको एक एग्जाम्पल देना है हस्त नेत्र समन्वय ज्ञान का अधिग्रहण एक्वाइजेशन रेशनलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड व्यूज बच्चों के विचारों का युक्तिकरण एंड मेमोरी ओके तो करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर टेन का ओके okay, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर आपको क्या दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ओके तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों में यहाँ पर एक सवाल का आपको जवाब आप थोड़ा सा और बताना चाहूँगा जैसे कि आपने इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि ग्राफ के बारे में कि ग्राफ जो हुआ करता है वो किस प्रकार का आपका टीचिंग एड हुआ करता है तो ग्राफ जो होता है वो होता है नॉन नॉन ऑडियो विजुअल ओके नॉन ऑडियो विजुअल बट ग्राफ को केवल देखा जा सकता है तो ग्राफ जो होता है केवल विजुअल टीचिंग एड होता है और टेक्नोलॉजी के आधार पे ग्राफ कैसा, कैसा होता है नॉन प्रोजेक्टेड कैसा होता है नॉन प्रोजेक्टेड अगर आपको प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में डिफरेंस जानना है तो केवल इतना जान लीजिए कि जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता वो है वो प्रोजेक्टेड होते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है वो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर जो टेन है मैं इसके सपोर्ट में ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन में इसमें जो बात करी गई है वो चाइल्ड के लिए बात की गई है ओके चाइल्ड के लिए बात की गई है चाइल्ड में बाकी देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है और ज्ञान का अधिग्रहण होता है और क्वेश्चन में पूछा गया नॉट कौन सी चीज़ नहीं होती है तो बच्चे के अंदर चाइल्ड व्यूज़ का युक्तिकरण मतलब बच्चा जो है रेशनलाइजेशन बच्चे को आता कहाँ है ओके और मेमोरी भी हुआ करती है तो केवल एक चीज़ जो होती है सी ऑप्शन नहीं होती है तो उसको अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे बाकी तो सारे आंसर सही हैं तो ये कर लिया हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर दस चलिए अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करेंगे चलिए दोस्तों देखिए अब आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की तरफ या ये पार्ट जो है आपका एक तरीके से जी के पोर्शन कोई कवर करेगा इसमें ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन भी कुछ कुछ आते हैं तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट्स लाइक लाईगा हारमोनिंग इनमें से कौन सा विटामिन जो है खुद हार्मोन के जैसे काम किया करता है बताइए विटामिन ए बी सी या डी तो करेक्ट आंसर है इसका विटामिन डी विटामिन डी जो हुआ करता है ओके ऑप्शन बी डी है विटामिन बी डी है ये हार्मोन के जैसे काम किया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉज ऑफ द वॉटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के प्राइमरी कॉज मतलब सबसे ज़्यादा जो वाटर पोलूशन है वो किसकी वजह से हुआ करता है देखिए पौधे एनिमल देखिए भाई पौधे की वजह से तो कोई वाटर पल्यूशन होता ही नहीं है एनिमल की वजह से थोड़ा वजह होता है और उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है सबसे बड़ी चीज़ होती है नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोई ना कोई ये पॉल्यूशन तो फैलाते ही तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पोल्यूशन हुआ करता है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फॉलोविंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिजीजो देखिए बोर्न बोर्न मतलब, मतलब, -E, मतलब okay? तो इसमें से कौन सा मॉस्किटो जनित डिज नहीं है भाई मलेरिया तो है, है ना मलेरिया तो मॉस्किटो जनित है अब यह क्या पूछ रहा नहीं है देखिए विच इज नॉट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में नॉट आ जाए तो घंटी बजा लिया करो ओके okay? डेंगू बुखार भी मलेरिया जनित है पीला बुखार भी मलेरिया जनित है बट वायरल फीवर जो होता है डी ऑप्शन जो होता है वो मलेरिया जनित नहीं हुआ करता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर क्या होगा डी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ठीक है ना न कोल बर्नस इन टू द एयर जब कोयला हवा में चलता है भाई बच्चा बच्चा जानता है जब कोयला हवा में जलता है तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है हाइड्रोजन गैसेज प्रोड्यूस तो भैया ऐसे बनते तो थोड़े बहुत चीजें सारे हैं मगर सबसे ज्यादा क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड ओके अगर कार्बन कोयले का अंग इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब इनकम्प्लीट कंबसन हुआ करता है तो क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड बना करता है बट यहाँ पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है तो हम यही मान के चलेंगे कि कंप्लीट कम्बन की बात हो रही तो हम क्या लेंगे इसको कार्बन डाईऑक्साइड चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी जिस समय कोरोना आया था डॉक्टरों ने कहा था विटामिन सी की मात्रा बढ़ाइए रिच फूड एज मतलब जो आपका का, विटामिन सी से ज़्यादा फूड खाइए आप भरपूर फूड खाइए क्यों कहा गया था नंबर वन यह दृष्टि वर्णक निर्माण के लिए आवश्यक है द इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द विजुअल पिगमेंट मतलब आंखों के लिए मजबूत करता है कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी ये जो है आपके दांतों को और बोन्स को हेल्दी रखता है इट इनटेक शार्पेस शार्पनेस इन एपेटाइट इससे भूख बढ़ती है ओके विटामिन सी खाने से भूख बढ़ती है और डी ऑप्शन इट बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन यह इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो होता है आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है तो बताइए कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चल रहा है आंसर बताइए ये क्या करता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है डी विटामिन सी का मतलब होता है खट्टी चीज़ें खट्टी चीज़ें खाने से दो चीज़ों का आपका फ़ायदा रहता है नंबर वन क्या होता है खट्टी चीज़ें खाने से जैसे कि नींबू हो गया ओके okay, संतरा हो गया शिकंजी पीने वगैरह से मतलब इन चीज़ों से क्या हुआ करता है कि नंबर एक आपके दांतों में दांत आपके दांतों के मसूड़े ठीक रहते हैं समझ गए ना क्योंकि इनमें विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी जो हुआ करता है उसकी वजह से क्या होते हैं आपके दांतों के मसूड़े सही रहा करते हैं दूसरी चीज़ क्या होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है तो खट्टी चीज़ें खाने से हुँ, क्या हुआ करता है इम्यूनिटी बढ़ती है मतलब सर्दी खांसी जुकाम और जो वायरस के इन्फेक्शन हुआ करते हैं वो जल्दी से नहीं हुआ करते हैं आपको क्योर करता है चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में द कन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट जो है किसने दिया था सी सी पार्क जे 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 एन एन जेफर्स जोसेफ फोरियर या एल जोबरर बताइए ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दी थी ग्रीन हाउस गैसेस तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ़ फोरियर याद रख लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस की बात की थी किसने जोसेफ फोरियर ने चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इनमें से कौन सी सबसे अच्छी पर्यावरण के अनुकूल खेती है पद्धति है नंबर वन रासायनिक खादों का उपयोग ओके okay. uh, दूसरा कीटनाशक खादों का उपयोग करना जैविक खेती इनमें से कोई नहीं तो भाई हर कोई जानता है जो ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती होती है वो बेस्ट खेती हुआ करती है और ये क्या करती है सपोर्ट करती है आपके एग्रीकल्चर का क्यों क्योंकि इसमें ना तो आप किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना आप किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़ों को मारने वाला यूज़ किया करते हैं अगर आप देखिए फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो जमीन होती है उनकी जो उन जमीन की उर्वरता होती है उसकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो ख़राब हुआ करती है मगर जैविक खेती में ऐसा कुछ नहीं होता है चलिए अगला क्वेश्चन हम्म, बड़ा ही रोचक है, रहा है कि दांत होते हैं दो दांत हुआ करते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहा करते हैं बिल्ली गिलहरी सांप या बाघ तो करेक्ट आंसर इसका क्या है स्क्वेरल ओके okay. स्क्ल के जो दांत हुआ करते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहा करते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है question क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कि सिंकोना पेड़ आपने जानते हो कि सिंकोना पेड़ जो हुआ करता है सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना के किस भाग का उपयोग किया जाता है करेक्ट आंसर है बार के यानी कि छाल सिंकोना जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसको छील करके उसको निकाल करके उसका काढ़ा बना के पिया जाता है जिससे मलेरिया का उपचार हुआ करता है चलिए अगला क्वेश्चन है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा करते हैं सांप के जो जहरीले दांत होते हैं पॉइजनस जो ने टीथ होते हैं उनको क्या कहा करते हैं देखिए कसक विषदंत कृतंक छेदक या शल्क तो भाई साहब नाम ही है विषदंत फैंक्स बोला करते हैं आपने देखे होंगे सांप के जो दो दांत होते हैं सामने के उनमें जहर की ग्रंथियाँ होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन विषदंत बोला करते हैं यस yes, चलिए तो ये विशदंत हुआ करते हैं अगला देखते हैं चलो भाई करंट अफेयर्स आ चुका है जनरल नॉलेज बहुत ही बढ़िया तो जनरल नॉलेज में ये देखो भाई अपन को दिमाग लगाना है कितना बढ़िया ब्रेन बना हुआ है ब्रेन से याद आ गया ब्रेन के दो हिस्से ये आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं एक होता है सेरेब्रम क्या होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम एक होता है सेरेबेलम तो आइए जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द मेन इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स आपसे लिए जाते हैं प्रत्यक्ष कर का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई इनकम टैक्स और इनकम टैक्स का मुख्य प्रभाव किस पर भाई इनकम पर पड़ेगा मतलब कि आय पर पड़ेगा ओके खाद्य पदार्थ की कीमतें अप्रत्यक्ष होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं अप्रत्यक्ष है, होती हैं पूंजीगत माल अप्रत्यक्ष होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो किस पर लिया जाता है इनकम पे तो इनकम टैक्स पर लिया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फल्ड मोस्ट ऑन द केस ऑफ हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में चावल में दाल में तिलहन में किस में देखा गया था करेक्ट आंसर है जो हरित क्रांति इंडिया में हुई थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है गेहूं में देखा गया था चलिए गोल गुंबद क्या है वॉट इज गोल गुंबद गोल गुंबद क्या है देखिए गोल गुंबद किस चीज़ का कहा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके okay, तो हैदर अली का मकबरा हैदर अली मुसलिम मौस, ऑफ हैदर अली ओके okay, मकबरा क्या होता है मकबरा का मतलब होता है जैसे कि जो पहले के मुगल के राजा होते थे राजा लोग जब मर जाते थे तो उनकी उनकी समाधि के ऊपर समाधि कह लो या उनकी कब्र के ऊपर समाधि तो हिंदी वर्ड है मुगल के लोग क़ब्र इस्तेमाल करते थे क्या करते थे कब्र के ऊपर वो क्या करते थे एक मोनो एक मतलब एक तरीके का एक छत्र टाइप का बना दिया करते थे एक मतलब डोम टाइप का और उसको देखने लोग बहुत सारे जाया करते थे तो उसको बोलते थे मकबरा क्या बोलते थे इसको मकबरा ठीक है ना तो ये मकबरा हुआ करता है तो गोल गुम्बत किसका मकबरा है भाई साहब सीधी सीधी बात यहाँ पे पूछी जा रही है गोल गुम्बत किसका मकबरा है तो हैदर अली का नहीं है औरंगजेब का नहीं है चांद बीबी का भी मकबरा नहीं तो करेक्ट इसका आंसर क्या है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ओके मौजुलम यानी कि कौन सा मकबरा गोल गुम्बत तो याद रख लीजिए गोल गुम्बद यानी कि मोहम्मद आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हाँ वो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ओके भारतीय कौन से जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था जवाहरलाल नेहरू पी जोशी सरदार वल्लभ भाई पटेल एम एन रॉय तो करेक्ट आंसर इसका नोट कर लीजिए एम एन रॉय ओके कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता जो था वो कौन थे एम एन रॉय अगले क्वेश्चन की तरह चलते हैं डॉक्टर अमृत सेन ने किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार जीता है इसका पहले हम क्वेश्चन करवा चुके हैं जो डॉक्टर अमृत सेन हैं उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है तो इन लोगों ने जीता है कहाँ इकोनॉमिक्स में और कौन सी इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे दो बार इकोनॉमिक टर्म आ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल भी है और वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स भी आ रहा है दो मॉडल हैं ये बात है कि उन्होंने इकोनॉमिक में तो जीता था ओके okay, बस करेक्ट आंसर है कल्याण अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो याद कर लीजिए इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स अमृत सेन जो है उन्होंने जीता था कल्याण अर्थशास्त्र मतलब कि वेलफेयर uh, इकोनॉमिक्स में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए किस राज्य किस राज्य ने आठवीं कक्षा की पुस्तकों में भारत की पहली मुस्लिम भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ पढ़ाया है मतलब भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी फातिमा शेख उसके योगदान को बताया है किस राज्य की सरकार की मतलब कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की फर्स्ट महिला मुस्लिम शिक्षिका जो है फ़ातिमा शेख के बारे में बताया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ओके करेक्ट आंसर है तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर क्या है तमिलनाडु एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट फातिमा शेख फातिमा शेख तमिलनाडु में नहीं है फातिमा शेख जो है आंध्र प्रदेश में है ओके इसका तो करेक्ट आंसर है क्या ए पी आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश में फातिमा शेख के नाम का वो चैप्टर चल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डन हो गया है आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन चलते हैं यस yes. लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन लक्ष्मी सिंह तो लक्ष्मी सिंह किसकी बनी है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड महाराष्ट्र कर्नाटक करेक्ट आंसर है पहली जो महिला की पुलिस पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है किस राज्य की लक्ष्मी सिंह बनी है उत्तर प्रदेश की महिला पहली महिला पुलिस कमिश्नर अगला क्वेश्चन हाँ किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पुरुष अंडर 18 अंडर 18 मतलब अंडर 18 18 साल से कम कम उम्र वाले के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने अवार्ड जीता है क्वेश्चन नंबर 28 बताइए किस राज्य ने अवार्ड जीता है ओके okay? 18 साल से कम के लिए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी का डी है करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में ओके okay, एक सेकंड जी हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन किस राज्य में मतदान प्रतिशत नब्बे से अधिक होने के लिए चुनाव मिशन ने मिशन टू ट टू नाइन ट्वेंटी नाइन की स्थापना की है यस yes. किस राज्य ने मिशन नाइन ट्वेंटी नाइन की स्थापना की है नब्बे प्रतिशत से अधिक कराने के लिए मतदान अधिक करने के लिए किस राज्य ने स्थान इस, ये योजना स्थापित की है ओके okay. बताइए तो याद रखिए मैंने इसका बताया था तीन वर्ड मिशन 929 में भी तीन वर्ड है तो करेक्ट आंसर इसका क्या है भाई वैसे तो तीन वर्ड देखिए त्रिपुरा और असम में भी आ रहे हैं ओके तो ये इसका करेक्ट आंसर है डी इज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि ये योजना किसमें शुरू की है त्रिपुरा में शुरू की गई है ओके त्रिपुरा में भी शुरू की गई है ओके नाइन ट्वेंटी नाइन कैसे याद करेंगे देखिए नाइन लास्ट में आता है और त्रा त्रिशूल भी लास्ट में आता है तो त्रिपुरा है ना ऐसे छोटी छोटी सी आप ट्रिक बना सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हाँ देखिए अगला क्वेश्चन सिया चीन में क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है कि सिया चीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं ओके कैप्टन शिवा चौहान पुनीता अरोड़ा मिताली मधुमिता और दीपक दीपिका मिश्रा तो करेक्ट आंसर इसका है कैप्टन शिवा चौहान जो हैं वो पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कहाँ पर जो गई हैं सियाचिन में ओके डन चलिए अगला टॉपिक आ चुका है अगला मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग तो इसमें थोड़ी सी दिमाग को भिड़ाना पड़ता है दिमाग के अंदर जो इंजन फंसा हुआ उसको चलाना पड़ता है और आइए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि ऑड वन को सिलेक्ट करना है मतलब इसमें से अलग कौन है ओके चूज द ऑड वन ऑड वन का चयन करना है कि कौन सा अलग है पीक पीक यानी कि शिखर ओके पीक यानी कि शिखर ओके माउंटेन यानी कि पर्वत हिल हिलाक हिला मतलब छोटी पहाड़ी और वैली वैली मतलब घाटी चलिए जवाब दीजिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दे रहे हैं जवाब वैली का डी ऑप्शन का देखते हैं वैली सही है कि नहीं है करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही वैली वैली मतलब घाटी घाटी जो होती है वो नीचे होती है बाकी पीक जो होता है शिखर पहाड़ का ऊंचा होता है माउंटेन भी ऊंचा हुआ करता है छोटी पहाड़ी भी ऊंची ही हुआ करती है मगर जो घाटी होती है वो नीची होती है ओके तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा घाटी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर वाट वैन सिक्वेंटली प्लेस इन द ब्लैंक गिवन सीरीज़ विल कंप्लीट द सीरीज़ तो आपको ऐसे लेटर का चुनाव करना है कि जो आपको सही स्थान देगा तो देखिए सी ए बी सी बी यदि रखते जाइए तो सी ए बी सी बी और मैच करते जाइए देखिए तो सी सी बी ए सी ए तो ये कोई ऑप्शन ये कोई मतलब ऑर्डर नहीं बन रहा है तो इसको अपन दूसरा लेते हैं ओके तो ये तो कुछ नहीं बन रहा है ये कोई काम का अपने नहीं है चलिए अगला क्या भरते हैं देखिए ए बी सी ए बी सी सी बी ओके okay. तो यहाँ पे मैंने भर दिया ए बी सी सी बी तो यदि हम ऑर्डर देखते हैं ये वाला तो देखिए क्या बनेगा ए सी बी बी फिर ए सी बी बी सी फिर ए बी सी तो ये भी कोई अपना ऑर्डर नहीं बन रहा है इस तरीके से देख लीजिए ए सी बी यह भी कोई ऑर्डर नहीं बन रहा मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा तो इसको भी हटा देते हैं अपन है ना चलिए अगला भरते हैं अगला हमारे पास क्या ऑप्शन में है अगला हमारे पास ऑप्शन में है बी ए सी बी सी तो हम डालते हैं अगले ऑप्शन में बी ए सी बी सी चल ब्लैक पेन ले लिया जाए बी ए सी बी सी तो देखिए क्या बन रहा है बी सी बी ए सी फिर इसके बाद में क्या बन रहा है इसके बाद में सी ए बी सी तो ये भी मेरे को कोई ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है ओके तो अब लास्ट हमारे पास बचा है शायद वही हो सकता है देखते हैं यदि हम पुट करते हैं क्या कोई हमारे पास कोई बढ़िया ऑर्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो क्या है लास्ट वाला हमारे पास जो डिजिट हैं वो क्या बचे हुए हैं हमारे पास में बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए अब देखिए क्या पैटर्न बन रहा है बी सी बी सी ओके बी सी बी सी बन गया है बी सी बी सी फिर अभी भी कोई पैटर्न समझ में तो नहीं आ रहा है बी सी बी सी सी फिर ए नहीं नहीं अभी भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हम लोग को अच्छे से मतलब लंबे पैटर्न बनेंगे लंबे पैटर्न बनेंगे एक बार फिर से हम ऑप्शन नंबर सी को डाल करके देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में कैसा पैटर्न बन रहा है ओके ऑप्शन नंबर सी में हम एक बार फिर से पैटर्न डाल करके देखते हैं ऑप्शन नंबर सी ये है तो बी सी बी फिर ए आएगा फिर ए फिर क्या आ जाएगा देखिए फिर इसके बाद आ जाएगा सी ए बी सी ए बी फिर इसके बाद क्या आ जाएगा देखिए दो डिजिट भर चुके हैं फिर इसके बाद तीसरा डिजिट सी आ जाएगा ओके सी ए बी सी फिर बी ए सी ए बी ए सी ए फिर इसके बाद तीसरा डिजिट आ जाएगा क्या बी आ जाएगा ठीक है और फिर इसके बाद <gs> फिर इसके बाद सी बी ए और फिर सी आ जाएगा और फिर ए और बी आ जाएगा अब मैच करिए देखिए क्या हो रहा है बी सी बी ए सी ए हाँ ये देखिए छः की पेरिंग बन रही है बी सी बी ए सी ए फिर ये देखिए बी सी बी ए सी ए और फिर बन गई बी सी बी ए सी ए तो इस तरीके की यहाँ पर पेयरिंग बन रही है बी सी बी ए सी ए बी ओके तो यहाँ पर बी सी यदि यानी मैं इसको एक बार फिर से मैं इसको फिल कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा चलिए रीजनिंग थोड़ी सी बेचैन तो करती ही है थोड़ा सा दिमाग इसमें भिड़ाना पड़ता है क्या करना पड़ता है केवल इसमें पैटर्न आपको देखना पड़ता है तो सी ऑप्शन के हिसाब से देखिए अगर सी ऑप्शन आप डालते हैं बी ए सी बी सी अब आप देखिए डिजिट बी सी जो मैच कर रहा है ना वहाँ से बस देखना आप देखो बी सी बी ए सी ए बी ओके तो बी सी बी ए सी ए यहाँ तक ले लीजिए देखिए बी सी बी ए सी ए फिर इसके बाद बी सी बी ए सी ए और फिर इसके बाद देखिए बी सी बी ए सी ए तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा सी ही होगा ओके okay? इस तरीके से मैच करना पड़ता है चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विच विल कम इन सेकेंड लास्ट पोजिशन आपको बताना है कि सेकेंड लास्ट पोजिशन में कौन आएगा ओके सेकेंड लास्ट पोजिशन में कौन सा आएगा आपको ये बताना है सेकेंड लास्ट पोजिशन में चलिए ट्राई कर लेते हैं अपन कि सेकेंड लास्ट पोजिशन में कौन सा आएगा चलिए देखिए तो ऐसे कैसे मिलान किया जाता है देखिए तीनों अक्षर सबसे पहले पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ तो सबके सेम है ओके तो फिर पी आर ओ के बाद देखिए सी आ रहा है तो मतलब नंबर वन पे ये आएगा ओके नंबर वन के ये आएगा पी आर ओ के बाद सी आ गया अब इसके बाद में देखिए पी सी तो हो चुका है पी आर ओ के बाद अब डी आ जाइए तो पी आर ओ डी ओके अब डी के बाद देखिए यहाँ पे भी डी है यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है तो डी के बाद देखिए सबसे छोटा लेटर किस में आ रहा है डी के बाद आई यू और यू ओके okay, तो डी के बाद आई वाला मतलब ये क्या बन गया ये सेकेंड नंबर का बन गया क्या बन गया सेकेंड नंबर का अब डी यू सी है डी यू सी है तो अभी भी पता नहीं चलेगा तो डी यू सी के बाद ई e, मतलब ये थर्ड नंबर का है तो ये कौन सा बनेगा भाई ये बनेगा आपका फोर्थ नंबर का तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा थर्टी थ्री का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्या अंतिम से दूसरे नंबर में पूछा गया है देखिए अंतिम से दूसरे नंबर में इसमें अंतिम नहीं पूछा गया है अंतिम से दूसरे नंबर में मतलब पीछे के पहले वाला तो पीछे के पहले वाला मतलब तीसरे नंबर का जवाब देना है तो करेक्ट ऑप्शन इसका कितना होगा डी होगा अंतिम पे मत खुशी खुशी ताला लगा के आ जाइएगा करेक्ट ऑप्शन इसका कितना होगा डी तो थर्टी थ्री का करेक्ट ऑप्शन डी ही है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो भाई साहब बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए प्लस है ओके तो जहां जहां ए है वहां वहां प्लस लगा दो ए का मतलब प्लस है बी का मतलब मल्टीप्लाई है तो बी की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई सी का मतलब डिवाइड है तो सी का मतलब मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया एंड डी का मतलब क्या है माइनस है तो डी की जगह मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा चलिए बोर्ड मास लगाइए तो बोर्ड मास में देखिए क्या होता है बी ओ डी एम ए एस तो सबसे पहले क्या होता है डिवीज़न है ना तो सबसे पहले डिवीज़न होता है तो सबसे पहले डिवीज़न देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है है ना तो मल्टीप्लीकेशन टेन है और नाइन का कितना हो जाएगा नाइन्टी तो ट्वेंटी प्लस का हो गया नाइन्टी इसका तो खेल ख़त्म हो गया क्योंकि नाइन हो गया और माइनस कितना हो चुका है ट्वेल्व हो चुका है तो वन हंड्रेड टेन और माइनस का ट्वेल्व ओके okay? तो आंसर कितना आ गया भाई साहब 98 तो इसका आंसर होगा डी 98 चलिए तो इसका नोट कर लीजिए 34 है ना ये क्वेश्चन नंबर 34 का डी ही है ओके okay? 34 का डी आंसर करेक्ट है चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें प्लस के स्थान पर क्या आएगा तो थोड़ी सी यहां पर आपको जागरूकता की जरूरत है देखिए पांच का क्यूब होता है एक सात का क्यूब होता है थ्री फोर्टी थ्री नाइन का क्यूब होता है क्या भाई सेवन ट्वेंटी नाइन और एलेवन का क्यूब क्या होता है भाई तेरह सौ इकतीस तो मतलब पाँच के बाद दो दो पाँच और दो सात सात और दो नौ नौ और दो ग्यारह मतलब दो दो का गैप है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसका क्यूब आएगा तीन का क्यूब क्योंकि दो दो के क्यूब एड होते जा रहे हैं तो थ्री का क्यूब आएगा क्योंकि थ्री में टू हुआ फाइव फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस टू नाइन और नाइन प्लस टू कितना इलेवन तो थ्री का क्यूब होगा तो थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा थर्टी फाइव का करेक्ट आंसर ए चलो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी आ गया भाई साहब कंप्यूटर लिटरेसी आ जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन करेंगे देखते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं चलिए आइए ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग नेम नेम्ड एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज द बैकअप कॉपी ऑफ़ द अनदर फाइल इसमें से कौन सी चीज़ बताती है कि आपकी जो फाइल है वो दी गई कॉपी की बैकअप है टी एक्स टी फाइल है डॉट कॉम फाइल है डॉट बी एक्स फाइल है डॉट बी ए के तो बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है बी ए के तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर करेक्ट बिल्कुल सही है आप लोगों का डॉट बी ए के ही करेक्ट ऑप्शन है डॉट बी ए के करेक्ट ऑप्शन है और डॉट बी ए के मतलब बैकअप ओके okay, तो जिस फाइल के पीछे डी ए के लिखा हो उसका मतलब समझ जाइए सॉरी बी ए के डी ए के नहीं तो वो कैसी फाइल है वो बैकअप फाइल है बैकअप मतलब कि सपोर्ट फाइल कभी कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो आप बैकअप फाइल का इस्तेमाल ले सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हाँ चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब छोटे डेटा को छोटे को बड़े डेटा की ओर निम्नलिखित में से कौन सा समान डेटा तत्वों को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में रखता है ओके okay? सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े क्रम में आपको रखना है ठीक है ना सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े क्रम में आपको डेटा को रखना है चलिए देखिए सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े क्रम में आपको रखना है तो देखिए कैरेक्टर तो सब में पहला ऑप्शन है और सबसे छोटा क्या होता है कैरेक्टर ही होता है ओके okay. सबसे छोटा डेटा तत्व तो क्या होता है कैरेक्टर होता है सबसे छोटा डेटा तत्व तो जो होता है कैरेक्टर होता है कैरेक्टर के बाद क्या हुआ करता है कैरेक्टर के बाद में कौन सा ऑप्शन है भाई आप लोग जवाब दीजिए हाँ चलिए हाँ जी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डेटा एंड में आएगा बिल्कुल सही बात है डेटा सबसे बड़ा होता है तो देखिए इसमें भी बड़ा है इसमें भी बड़ा है इसमें भी बड़ा है ओके डेटा बेस के बाद क्या बड़ी चीज़ होती फाइल बड़ी चीज़ होती है मतलब ये दोनों ऑप्शन है ये दोनों तो कट गए ओके ये ऊपर के दोनों तो कट गए डेटाबेस के बाद क्या हुआ करता है फाइल और फाइल के बाद बताइए फील्ड होता है कि रिकॉर्ड होता है देखिए सोचिए जरा डेटाबेस के बाद क्या होता है फील्ड या रिकॉर्ड हुआ करता है बताइए एक बार ओके okay, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है डी बहुत लोगों ने का आंसर दिया है डी तो करेक्ट आंसर एक बार इसका याद कर लीजिए डेटाबेस का मतलब छोटे से बड़े की ओर सबसे पहले होता है कैरेक्टर कैरेक्टर के बाद होता है फील्ड फील्ड के बाद होता है रिकॉर्ड रिकॉर्ड के बाद होता है फाइल और फाइल के बाद क्या हुआ करता है डेटा बेस ओके तो याद रखिएगा कैरेक्टर फील्ड और रिकॉर्ड याद रखिएगा ओके क्योंकि एफ़ के बाद आर आता है तो फील्ड पहले आएगा और रिकॉर्ड बाद में आएगा पहले फील्ड आता है फिर क्या आता है रिकॉर्ड आता है तो इस तरीके याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हूँ द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म आई एस डी एन एज एंड एब्रिवेशन ऑफ ठीक है ना आई एस डी एन का यूज़ हुआ करता है डिजिटल नेटवर्क में डिजिटल कम्युनिकेशन में आई एस डी एन तो इसका आई एस डी एन का पूरा नाम बताइए इंटरनेशनल सर्विस डिजाइन डिजिटल नेटवर्क ओके डिजिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क इंटरनेटिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आई एस डी एन का मतलब बताइए थर्टी एट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से तो करेक्ट आंसर इसका कितना है इसका आंसर है डी इंटीग्रेटेड सर्विस देखिए किसी में इंटीग्रेटेड है हाँ इसमें है स्टैंडर्ड नहीं होता service, है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन चलते हैं अमॉडम दैट डजेंट नीड टू बी कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन इज़ कॉल्ड ओके बताइए एक ऐसा मॉडम जिसको कि कनेक्ट होने के लिए टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं हुआ करती उस मॉडम को क्या बोलते हैं अमॉडम दैट डजेंट नीड टू कनेक्टेड बाई टेलीफोन लाइन इज़ वाट टाइप ऑफ मॉडम जिसको टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं होती है ओके यस बताइए कौन सा आंसर है एक्सटर्नल मॉडर्म है इंटरनल मॉडर्म है वायरलेस मॉडर्म है या डी एस एल मॉडर्म मॉडर्म है जिसको टेलीफोन लाइन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है तो करेक्ट ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने दिया है वायरलेस मॉडल बिल्कुल सही मॉडल है जो वायरलेस हुआ करता है या वाईफाई मॉडल जो हुआ करता है उसे जो होती है फ़ोन लाइन की जरूरत नहीं हुआ करती है जोड़ने के लिए ओके तो करेक्ट आंसर थर्टी का क्या है थर्टी का करेक्ट ऑप्शन है थर्टी का करेक्ट ऑप्शन है सी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन है रैम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग रैम किसका बना होता है आपके कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होती है एक रैम होती है और एक रोम होती है तो रैम किसका बना होता है कंडक्टर okay. का बना होता है सेमी कंडक्टर का बना होता है ओके कंडक्टर का बना होता है सेमी कंडक्टर का बना होता है वैक्यूम ट्यूब का बना होता है या ट्रांजिस्टर का बना होता है तो भाई साहब रैम जो हुआ करती है सेमी कंडक्टर की बनी होती है ओके सिलिकॉन सेमी कंडक्टर की रैम बनी हुआ करती है चलिए चालीसवां क्वेश्चन हो चुका है अब चालीसवें क्वेश्चन के बाद आ चुकी है आपकी भाई साहब सबसे प्यारी भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन भाई साहब क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन फोर्टी वन में क्या कहा जा रहा है विनीत का पर्यायवाची बताइए विनीत विनीत का पर्यायवाची बताइए विनीत मतलब श्लाधा शोभा शिष्ट या सांप विनीत मतलब भाई बड़े आराम से हाथ जोड़ करके जो विनती करता है उसको विनीत बोलते हैं ओके तो क्वेश्चन नंबर 41 विनीत का पर्यायवाची बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया सिस्ट विनीत का मतलब होता है सिस्ट स्थावर का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भाई साहब याद हो चुका है स्थावर का विलोम शब्द मैंने आप लोगों को रटवा दिया था जंगम स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा जंगम इसके बाद अजय क्वेश्चन नंबर 43 पे 43 चलिए देखिए 43 है कट बहुत ही कठोर बहुत बड़ा आघात बहुत ही कठोर मतलब बहुत जोरों का और बहुत बड़ा आघात के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है इसके लिए यूज़ किया, किया जाता है वज्राघात क्या यूज़ किया जाता है वज्राघात बहुत ही कठोर के लिए तनु और तनु का सही अर्थ युग्म है तनु और तनु का सही अर्थ युग्म है बताइए तो तनु का मतलब क्या होता है पतला और तनु का मतलब क्या होता है ओके तनु और तनु का मतलब क्या होता है तो देखिए पतला दो ऑप्शन में है तो पतला और पुत्र और पतला और शरीर तो बताइए कहीं कौन सा ऑप्शन होगा भाई पतला तो पता चल चुका है क्योंकि तनु का मतलब सबको पता होता है तनु सल्फ यूरी कम होता है ना तो इसका पतला तो हो चुका है मगर कल दूसरा क्या है हाँ दूसरा क्या है तनु बड़ा तनु है तो इसका मतलब क्या होगा 44 का तो करेक्ट आंसर है इसका पतला और पुत्र पतला और पुत्र ठीक है ना तो पतला और पुत्र ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है तो याद रखिएगा तनु का जो पर्यावाची होता है तनु बड़ा ऊ की मात्रा अगर होता है तो इसका मतलब होता है शरीर ओके और अगर तनु छोटा होता है तामे नु उक, छोटी ऊ की मात्रा होती तो इसका मतलब होता है पतला दुबला ठीक है ना पतला <laughs> चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मनुष्य के पास बुद्धि है विवेक है तर्क शक्ति है वाक्य का भेद बताइए मनुष्य के पास क्या क्या दिया देखिए काफी सारी चीजें दी गई हैं मनुष्य के पास बुद्धि है विवेक है और तर्कशदी है शक्ति है तो यह किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य है संयुक्त वाक्य है ओके मिश्रित वाक्य है तो देखिए अगर कई सारी चीजें एक साथ दी गई हों कॉमा लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं मिश्रित वाक्य क्या बोलते हैं उसको मिश्रित वाक्य अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसको बोलते हैं उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं जैसे राम स्कूल जाता है ठीक है ना संयुक्त वाक्य में क्या हुआ करता है जैसे कोई तो मतलब कुछ कंडीशन दी रहती तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है ये मिश्रित वाक्य है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है आपको <coughs> तो आपको क्या छाँटना है शुद्ध वाक्य छाटना है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कह रहा है कि शुद्ध वाक्य आपको छाटना है क्या यह संभव हो सकता है ओके क्या यह संभव हो सकता है क्या यह संभव है क्या यह क्या संभव हो सकता है संभव है क्या देखिए आपको इसमें से शुद्ध वाक छाटना है कि सबसे शुद्ध कौन सा है तो देखिए इनको चारों को देख करके हमें क्या लग रहा है कि हम अगर क्या यह संभव है बोले तो उसमें हो सकता है वाली लगाने की बात जरूरी नहीं हो सकती है और यह क्या संभव हो सकता है ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई संभव है क्या हमें तो पता ही नहीं चल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बी आंसर क्या यह संभव है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं <coughs> हाँ अब की अब के साथ जब की जब के साथ कहावत का अर्थ बताइए क्या है अब की अब के साथ और जब की जब के साथ का कहावत का अर्थ बताइए फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन अब की अब के साथ और जब की जब के साथ का कहावत का अर्थ क्या है ओके okay. ऑप्शन क्या दिए हैं अपने ही हाथों अपना बुरा करना दूसरा इंसान को हमेशा अपने वर्तमान में ही रहना चाहिए और आज की ही चिंता करनी चाहिए और कल, कल की कल ठीक है अगला क्या दिया है मूल वस्तु प्राप्त रहेगी तो उससे बनने वाली वस्तु तो निश्चित ही प्राप्त होती हैं ओके और किसी एक जगह से दूसरी जगह को जाना तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन क्या था अब की अब के साथ और जब की जब के साथ तो मतलब है इंसान को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए और आज की ही चिंता करनी चाहिए और कल की बात कल देखी जाएगी इंसान को जिसमें जी रहा है वो आज की आज में चिंता करनी चाहिए ओके चलिए मध्य बुद्धि मध्य मंद बुद्धि के समास में है मध्य मंद बुद्धि ओके समास कौन सा है मंद बुद्धि बताइए कौन सा समास है 48 क्वेश्चन ओके तो देखिए क्या है बुद्धि का विशेषण है मंद मंद है जो बुद्धि बुद्धि जो मंद हो तो यहां पर क्या है ये प्रधान पद है और इसके बाद ये उत्तर पद है तो पहला पद आपका विशेषण हो गया है तो इसलिए कौन सा समास होगा ये कर्मधारय समास होगा मंद बुद्धि कौन सा समास होगा कर्मधारय समास होगा ओके अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताइए उपसर्ग क्या होते हैं जो पहले जुड़े होते हैं अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताइए क्वेश्चन ओके <laughs> तो अध्यक्ष शब्द में जो उपसर्ग है उसका नाम है अधि क्या उपसर्ग है अधि ओके इसका उपसर्ग होता है अधि हुआ करता है चलिए अगला है लिखाई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है लिखाई तो आई ई आई लिखा लिखा तो हो नहीं सकता भाई इसको तो हटा दो ओके जो बाद में आता है तो लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का बताइए लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है ओके करेक्ट आंसर है आई क्योंकि कैसे बनता है इसमें लिख धातु बनती है और लिख धातु के बाद क्या जोड़ता है आई प्रत्यय तो लिख धातु और आई प्रत्यय ये बन जाता है लिखाई तो चलिए भाई ये हो चुके हमारे हिंदी भी पूरी हो चुकी है अब हमारे पास इस सब्जेक्ट का अंतिम आ चुका है इंग्लिश इंग्लिश देखेंगे भाई साहब हम्म इंग्लिश भाई इंग्लिश का नाम सुनते ही बहुत लोगों के सिर में पसीने आ जाते हैं परंतु अब इंग्लिश करने वाले हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज दैट वीज नेवर फेल्स जो कभी फेल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं जो कभी फेल नहीं होता है क्वेश्चन नंबर वन उसको हम क्या बोलते हैं भाई बहुत ही सिंपल है इनसॉलवेंट जो घुल ना सके इलेक्ट इल्लीगल ये नहीं होता इसका आंसर होता है इफ इल फेलेबल इनफेलेबल इनफेलिएबल ओके स्पेलिंग याद रख लिए इन एफ ए आई डबल एल आई ए बी एल ई इम फेलिएबल मतलब जो कभी फेल ना हो सके जिसे फेल ना किया जा सके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग विद अ गिवन एडियम्स फ्रेज आपके सामने कोई एडियम्स दी गई है और उसका फ्रेज आपको देखिए इडियम क्या दी गई है आपके सामने गो टू द वॉल गो टू द वॉल मतलब दीवाल की ओर जाओ है ना तो गो टू द वॉल मतलब दीवार की ओर जाओ इसका मतलब क्या होगा यूजलेस मतलब नाकारा नालायक बी वैन इंग्विस्ड बी वैन क्विस्ड डिस्करेज एंड लाइक ए कवर्ड लाइक ए कवर्ड मतलब कि कवर्ड एक तरीके की मतलब नकारात्मक शब्द है ये कह लो है ना लाइक ए कवर्ड गो टू द वॉल बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा तो गो टू द वॉल का मतलब क्या होता है एक तरीके से ये जो वर्ड होता है ये पराजित करने के लिए इस्तेमाल होता है मतलब पराजित होना तो पराजित होने के लिए क्या यूज़ होता है बी वैन तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वैन ओके मतलब पराजित होना तो है ना जैसे कि कोरोना में कई सारे बिजनेस जो है गो टू द वॉल बंद हो गए इस तरीके का सेंस लेगा यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे 53 क्या कह रहा है सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड गलत स्पेल किया जा रहा है गलत बोला जा रहा है इंट्रो इंट्र्यूड मोकेरी मॉडरेटर और फिनामिनन ओके इसमें से कौन सा वर्ड गलत है फिनमिननन ओके okay, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है मॉडरेटर मॉड मॉडरेटर तो देखिए मॉडरेटर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है तो करेक्ट आंसर क्या है 53 का करेक्ट आंसर इसी मॉडरेटर नहीं हुआ करता मॉडरेटर होता है ओके okay? तो यहां पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है मॉडरेटर है ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत बड़ा दिख रहा है चलो फिर भी करेंगे इसको अपन अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है चेंज द सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है वी सेड टू हर डोंट गिव अप यू आर हैलमोस्ट देर वी सेड टू हर डोंट गिव अप है ना एन यू आर ऑलमोस्ट हेयर तो देखिये ऑप्शन क्या दी है वी टोल्ड टू हर नॉट टू गिव अप एंड दैट शी इज ऑलमोस्ट देयर वी इनकरेज हर नॉट टू हैव गिवन अप एंड सी वुड ऑलमोस्ट बी देयर तो भाई ये तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने तबाही मचा दी है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर में ये वाला तो मुझे लग नहीं रहा है ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं इसी में थर्ड ऑप्शन है वी इंकरेज हर नॉट टू गिव अप एंड दैट शी एंड दैट शी वॉज ऑलमोस्ट देयर देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है चेंज द सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच वी सेट टू हर डोंट गिव अप यू आर ऑलमोस्ट देयर ठीक ना तुम मतलब यहाँ पे ये यह बात की जा रही है कि हार मत मानो तुम बस पहुँचने ही वाली हो ठीक है ना बस यहाँ पर यह सेंस निकल रहा है कि हार मत मानो तो वी सेट टू हर कोई यहाँ पे देखो एक तो टोल्ड भी हो सकता है वी टोल्ड टू हर तो वी एनकरेज हर नॉट टू तो गिव अप वी टोल्ड हर नॉट टू हैव गिवन अप ये तो खैर हो ही नहीं सकता है वी टोल्ड हर नॉट टू गिव अप एंड दैट शी इज़ ऑलमोस्ट देयर देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इज आ गया तो बैंड बज गई शी तो सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर इस तो हो ही नहीं सकता है ओके सेकेंड फॉर्म में हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है सेड से स्टार्ट हो रहा है तो ये पास्ट में जाएगा तो वी इनक्रेज हर नॉट टू गिव अप एंड दैट शी वॉज ऑलमोस्ट देयर तो ये इसका सी ऑप्शन हो सकता है डी पढ़ लेता हूँ वी टोल्ड हर नॉट टू हैव हैव हैड गिवन अप एंड सी वॉज ऑलमोस्ट देखिए भाई हैड गिवन हैव हैड गिवन अप ये भी नहीं आएगा ओके तो है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर सी होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो चुका है ऑप्शन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा एक एक क्लू पकड़िएगा फिर आप इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 फाइव क्या रहा है चेंज द सेंटेंस इन टू द पैसिव वॉइस तो एक्टिव को पैसे में बदलना है कैसे बदलेंगे देखिए एक्टिव को पैसे में फिफ्टी फाइव क्वेश्चन दिस इज द सेकेंड टाइम यू हैव कॉट आई हैव कॉट यू चीटिंग ये दूसरी बार है कि जब मैंने तू चीटिंग करते हुए पकड़ा है ओके तो देखिए क्या कह रहा है यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाई मी फॉर द सेकेंड टाइम यू हैव चीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम एंड आई हैव कॉट यू ठीक है ना देखिए यहाँ पे कॉट यू चीटिंग आई हैव कॉट यू चीटिंग चीटिंग लगा हुआ है मतलब जो जो भी लड़का या लड़की है वो क्या कर रहा है व्यस्त है चीटिंग करने में व्यस्त है 55 क्वेश्चन में चीटिंग करने में जो है व्यस्त है तो देखो मैंने आपको बताया था कि चीटिंग में जब भी आई होता है तो सबसे पहली बात बीन जरूर पकड़ा करो तो देखो यहाँ पे बीन दिख रहा है ओके क्योंकि तो आई यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाय मी फॉर द सेकंड और देखो बिन किसी में लगा हुआ है किसी में बी नहीं लगा हुआ है एक इसमें लगा हुआ है तो इसको भी पढ़ लेते हैं तो ये तो ऑप्शन रेस के बाहर हो गया ये भी रेस के बाहर हो गया ये वाला हो सकता है ये वाला हो सकता है कैचिंग यू चीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम लो भाई साहब कैचिंग यू चीटिंग आई हैव कॉट है तो कॉट से शुरू होगी ना बात तो कैचिंग क्यों आएगा ये भी गलत हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन होगा 55 का फिफ्टी फाइव के बाद चलते हैं फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर की तरफ देखो भाई क्या कह रहा है ओके द सुपरलेटिव डिग्री प्राउड लियो भाई प्राउड की सुपरलेटिव डिग्री जैसे आपने पढ़ी गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव प्राउड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ओके तो आपको बताना है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी देखिए एक, एक होती है क्या अफर्मेटिव एक होती है कंपेरेटिव एक होती है सुपरलेटिव तो गुड गेटर बेस्ट के लिए आपको बताना है कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी तो आपने पढ़ा होगा प्राउड प्राउडर प्राउडेस्ट तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्राउड प्राउडर प्राउडेस्ट होगा इसका डी वाला ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन है लियो भाई आर्टिकल लगाना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आर्टिकल बच्चों वाला काम है देखो भाई क्या लगाएंगे आई नीड आई नीड ओनियन के आगे क्या लगा दें ए लगा दें एन लगा दें तो आई नीड एन ओनियन आई लीड आ ओनियन की आई लीड एन ओनियन ओके ओके तो देखिए यहां पर यहां पर लगाएंगे क्योंकि ओ है ओ से स्टार्ट हो ऑनियन ओ और ओ से मतलब स्वर है तो एन आएगा ऑनियन एंड आर टमेटो एंड आर टमेटो फॉर सलाद ओके एंड आर टमेटो फॉर सलाद तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका फिफ्टी सेवन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट प्रीपोजिशन आपको प्रीपोजिशन लगाना है मतलब इसके पहले ही इज इंटरेस्टेड एट फ्लाइंग इन फ्लाइंग ऑन फ्लाइंग विद फ्लाइंग ही इज इंटरेस्टेड एट फ्लाइंग इन फ्लाइंग ओके ऑन फ्लाइंग या विद फ्लाइंग क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है आपको ही इज इंटरेस्टेड चलिए बताइए वह उड़ने उड़ने को पसंद करता है उड़ने पर पसंद करता है है ना उड़ना पसंद करता है तो देखिए यदि हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो वह उड़ना पसंद करता मतलब फ्लाइंग और फ्लाइंग एक अवस्था है उसकी स्टेट है तो यहाँ पे क्या आएगा इन ओके ही इज़ इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग ओके बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि ही इज़ इस इंटरेस्टिंग ऑन फ्लाइंग भाई ऑन नहीं होगा ऑन जब होता है जब कोई चीज़ जो ऊपर बैठी होती है किसी चीज़ के तब लगता है ऑन ठीक है ना जब कोई चीज रिकी रुकी ही होती है तो ऑन लगता है चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द सेंटेंस अप्रोप्रिएट पंक्शन बताना मतलब कौन सा लगाओगे फुल स्टॉप लगाओगे क्वेश्चन मार्क वट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट वट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट बताओ भाई कौन सा पंक्चुएशन लगेगा क्या जबरदस्त पेंटिंग तुमने पेंट करी है भाई साहब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी नाइन है ये तो बताइए क्या कौन सा लगेगा वाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट ओके बताइए कौन सा है सही तो देखो भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉट लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है ये तो हो नहीं सकता व्हाट अ फेटीफिल्ड पेंटिंग डिड यू पेंट इट ये भी गलत बात है और वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग फिर इसके बाद क्या लगा है यहाँ पर ओके okay, से, कॉलम सेम से, कॉलम लगे हुए हैं डिड यू पेंट इट तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना <coughs> और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर 59 का देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड सी होगा क्या कि डी होगा डी को भी देख लो पहले व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड हाँ बिल्कुल सही बात अरे भाई क्या जबरदस्त पेंटिंग है फिर उसके बाद कौन सा लगा एक्सक्लामेटरी साइन लगा फिर उसके बाद पूछा क्या तुमने इसको पेंट किया है तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है डी है भाई साहब तो इंग्लिश में जरा रखिएगा ध्यान नहीं तो हो सकते हैं परेशान देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की बात करते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन भाई इसमें पता करना है दे विल टेक देयर सीक्रेट ओके सीक्रेट टू द ग्रेव विद देम टू द ग्रेव विद देम आपको बताना है कि सीक्रेट क्या है नाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है या वर्ब है ओके okay? तो देखिए सीक्रेट क्या होता है खुद में एक चीज़ होती है खुद में कुछ हो तो ये क्या बनेगा नाउन होगा ओके okay? क्योंकि सीक्रेट से आप कई सारे सेंटेंस भी स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए आज की क्लास के ये सुपर फास्ट सिक्सटी क्वेश्चन हमने बड़े धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर लिए हैं कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए हमें ज़रूर बताते रहिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपने अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार